नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण पूजा घर की इस कड़ी में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट की पूजा रूम के बारे में। क्या साउथ वेस्ट का पूजा रूम, नैऋत्य कोण का पूजा रूम सुफलदायी है या फिर असुफलदायी है? सुफलदायी है तो कैसे है, और असुफलदायी है तो इसका वास्तु रिमेडी क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नैऋत्य कोण का हमारे वास्तु में क्या महत्व है और क्या प्रभाव है। दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर नैऋत्य कोना कहलाता है, हम लोग सभी जानते हैं, जिसमें सूर्य देव की दोपहर की बाद की रोशनी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमोस्फेयर जिसमें भी हम लोग भारत जैसे देशों की बात कर रहे हैं, सूर्य देव पूरब से उदित होकर दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। इसमें इंफ्रारेड रहता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है दोपहर की बाद की रोशनी में। उत्तर से आने वाली मैग्नेटिक चुंबकीय सकारात्मक ऊर्जा यहाँ आकर जमा संचय होती है, इसलिए यह जगह ऊर्जा धन का स्टोरेज स्थल भी कहलाता है। इसलिए स्थल थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं उत्तर और पूरब से जो मैग्नेटिक रे आती हैं वो यहाँ आके नैऋत्य कोण में स्टोरेज हो जाती है। इसलिए अगर यहाँ आपने खुले जगह बनाया, बालकनी बनाया, तो यहाँ स्टोर नहीं हो पाएगा, बालकनी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, जो कि वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। तो ये नैऋत्य कोण का महत्व था साइंस के हिसाब से। नैऋत्य कोण का और भी महत्व हम लोग देखते हैं साइंस के हिसाब से। सूर्य देव और चंद्रमा का परिक्रमण पथ, हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य देव भी परिक्रमा करते हैं, चंद्र देव भी परिक्रमा करती है, पृथ्वी भी परिक्रमा करती है। सूर्य देव और चंद्र देव का परिक्रमण पथ दो बिंदुओं पर करती है, जिसको कि छाया ग्रह राहु और केतु कहते हैं। एक यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है, एक को एसेंडिंग नोड इंग्लिश में कहते हैं साइंस में, एक को डिसेंडिंग नोड कहते हैं। तो डिसेंडिंग नोड को केतु कहते हैं, एसेंडिंग नोड को राहु कहते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता करता है, उसी तरह ये जो एसेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड इसके राहु केतु कहते हैं, इसका भी हमारे शरीर पर, हमारे घर पर प्रतिकूल या अनुकूल असर पड़ता है हमारे जीवन में, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये स्थान राहु केतु का है। नैऋत्य कोण जो है वो राहु केतु का स्थान है, पृथ्वी का स्थान है, और इस कारण वास्तु में भारी माना जाता है। ये स्थिरता प्रदान करता है, इसलिए जिसको लाइफ में स्थिरता चाहिए उनको अपना बेडरूम या मास्टर बेडरूम यहाँ बनवाना चाहिए। नैऋत्य कोण का प्रभाव और भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने देखा कि ये स्थान पृथ्वी राहु केतु का ये स्थान है, तो यानी कि पंचतंत्र में क्षिति पृथ्वी का यह स्थान है जो कि जीवन देती है और भरण पोषण भी करती है। इसलिए ये स्थान उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी कमाई से घर चला रहा है और कमाई पर्याप्त है, अर्थात घर का मुखिया। पृथ्वी तत्व तो होने के कारण यहाँ बच्चों का कमरा नहीं बनाते हैं, क्योंकि बच्चों में स्थिर आलसी हो सकते हैं, माता पिता से वाद विवाद कर सकते हैं, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, और कुंवारी लड़कियों की शादी में देरी तक हो सकती है, लड़कों को जॉब मिलने में भी परेशानी हो सकती है। तो बच्चों का कमरा यहाँ नहीं बनाना चाहिए हम लोग। नैऋत्य कोण का प्रभाव अब हम लोग जो है धन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ के दिक्पाल नैऋत्य हैं, जो कि दैत्यों के स्वामी माने जाते हैं, दैत्यों के राजा माने जाते हैं। ये मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ, आयु, सामंजस्य को प्रभावित करते हैं, इसलिए घर के मुखिया का अपना बेडरूम यहीं बनाना चाहिए। कभी भी अतिथि रूम, पूजा रूम यहाँ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूजा रूम बनाने से, अभी हम लोग पूजा रूम का डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये पितरों का भी स्थान है, नैऋत्य देव का भी स्थान है, तो आपके पितर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप देवता की पूजा ना करके आप जो है दैत्यों की पूजा करने लगेंगे, अगर यहाँ आपने पूजा रूम बनाया तो। यहाँ जो है वो धैर्य लक्ष्मी, जो कि अष्ट लक्ष्मी की रूप है, उनका भी स्थान है। ये घर के मुखिया को प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य प्रदान करती है। तो अगर आपने यहाँ पूजा रूम बनाया तो ये स्थान दूषित हो सकता है, धन जान जॉब की हानि हो सकती है, पारिवारिक कलह हो सकता है, वाद विवाद हो सकता
है, जीवन की भी हानि हो सकती है। तो ये नैतिक कोण में पूजा रूम अगर है तो घबराइए नहीं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सारा रेमेडी बताने वाला हूं, तो वीडियो मेरे आगे गौर से देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि अगर पूजा रूम आपने नैमित्तिक कोण में बनाया हुआ है तो पूजा की आलमीडी अलमारी मूर्ति फोटो इत्यादि कहाँ हो और कैसे वास्तु दोष निवारण हो। मान लिया जाए ये नैऋत्य कोने का पूजा रूम है, ये पूजा रूम है जिसमें कि ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। ये तो हमारा पूजा रूम है। तो पूजा की जो अलमारी होती है आपको उत्तर पूरब में उस नैऋत्य कोने के ईशान कोने में रखना चाहिए, कभी भी इस साइड या इस साइड नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे नहीं बन पा रहा है तो आप उत्तर की ओर भी रख सकते हैं। पूजा की अलमारी लकड़ी या मार्बल का होना चाहिए, इसको उत्तर पूर्व में ही रखिए, इसमें मंदिर जैसा गुंबद ना हो। ध्यान रखिए कि ऐसा गोल गुंबद नहीं होना चाहिए, इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नैऋत्य कोने का जो पूजा रूम है, पूजा रूम का आपको ईशान बनाना है, उस ईशान में आपको अलमारी रखनी है, वो भी लकड़ी या मार्बल की। पूजा करते समय आपका चेहरा पूरब हो या उत्तर हो, भगवान का फोटो लगाए। अगर मूर्ति रखनी है तो ये 6 इंच से बड़ी ना हो, टूटी हुई मूर्ति या फोटो कभी ना लगाए। भगवान का फोटो आसन 12 से 18 इंच फ्लोर से ऊंचा होना चाहिए। पूजा रूम का फ्लोर बाकी रूम के लेवल में ही होना चाहिए। एक भगवान का एक ही फोटो लगाएं, एक के ऊपर एक नीचे फोटो ना लगाएं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ गणेश जी है तो गणेश जी का ही फोटो लगाएं, बहुत सारे भगवानों का एक जगह जो है कंजेस्टेड करके फोटो ना लगाएं। सिर्फ अपने आराध्य देव देवी का ही फोटो लगाएं, सारे देव देवी का फोटो ना लगाएं, घर के मृत सदस्य गुरु का फोटो यहाँ कभी नहीं लगाएं, क्योंकि तो घर के मित्र सदस्य जो है वो भगवान से अलग होते हैं। तो इस तरीके से आप वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं, इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका है, पूजा घर अगर है नैऋत्य कोण में तो स्टोन रख के, पत्थर रख के या ग्लोब से कैसे वास्तु दूर करें। ये पूजा रूम है हमारा जिसमें ऊपर है उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो पूजा घर के दक्षिण पश्चिम में ब्राउन कलर का टुबलेट स्टोन पत्थर रखिए, इस तरीके से किसी ब्राउन बॉल में, या ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, ये ब्राउन कलर आपको आसानी से पत्थर मिल जाएगा बाजार में। पूजा घर के दक्षिण पश्चिम में ग्लोब रखिए, बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं ग्लोब, ये सांकेतिक रूप है कि दक्षिण पश्चिम का जो ये जो स्थान है ये भारी होना चाहिए, पृथ्वी का स्थान है, और ये यहाँ पर हम लोग ने ये सांकेतिक रूप में ये करके जो है एक संकेत के रूप में दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर को हम लोग ने भारी कर लिया। नैऋत्य कोण पूजा घर जल या झूला से वास्तु दोष निवारण कैसे किया जाए। तो मान लिया जाए ये पूजा रूम है, इसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो मैंने अपने सभी वीडियो में बताया है कि उत्तर पूर्व में, चूंकि आपका पूजा रूम उत्तर पूर्व ना होके दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर पूर्व ईशान कोना है, यहाँ एक मिट्टी के पात्र में, अगर आप पूजा रूम में जगह नहीं है तो फ्लैट में अगर कहीं जगह है या घर के उत्तर पूर्व के कोने में, आप मिट्टी के पात्र में गुलाब जल इत्र वाला जल रखिए। हर दिन ये सुबह में जल बदलिए, पुराना जल किसी पौधे में डाल दीजिए और ताजा गुलाब जल भर लीजिए, इससे सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा, ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण है। फ्लैट घर के दक्षिण पश्चिम में अगर आपका जगह है, छत पर जगह है, या कोई आपका यहाँ पर गार्डन वगैरह है, तो ये झूला रख सकते हैं। ये झूला जो है यहाँ से जो मैग्नेटिक रे आ रही थी वो यहाँ खत्म हो जा रही थी, पूजा रूम की वजह से वो स्टोर नहीं हो पा रही थी, तो आप यहाँ पर झूला रख के मैग्नेटिक रे को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो नैत कोण में पूजा घर है तो यहाँ पर जो है आप झूला छत पर लगा सकते हैं। पूजा घर का रंग क्या हो, क्योंकि रंगों का वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो इससे भी वास्तु दोष दूर हो सकता है। तो दक्षिण पश्चिम का स्थान है तो मिट्टी का रंग करें, पीला करें, सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। पीला दक्षिण पश्चिम के रूम के वास्तु दोष निवारण के लिए जरूर करें। और दक्षिण पश्चिम में आपका रूम है, पूजा रूम है, अगर पर्दा बेडशीट यूज कर रहे हैं तो वो भी आप वास्तु के अनुसार पीला रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। क्या नहीं होना चाहिए,
डार्क रंग या काला रंग या लाल रंग इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग लाल रंग इस्तेमाल कर लेते हैं, पूजा घर है तो क्या दिक्कत है, लेकिन मैं मना करता हूँ कभी ना इस्तेमाल करें। हर जगह एक सा रंग ना हो, दीवारों का, छतों का, पर्दा, बेडशीट का अलग अलग रंग होना चाहिए। नैऋत्य कोण पूजा घर में बहुत सारे वास्तु दोष निवारण बताया है, लेकिन नेचर ने, प्रकृति ने अपने आप हम लोग का पौधों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में वरदान दिया हुआ है, उससे भी वास्तु दोष निवारण हो सकता है। बेंजामिन ब्लैक फाइकस, ये पौधा आपको बाजार में मिल जाएगा, ये निगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है, तो ये आप नैऋत्य कोण में लगा सकते हैं। एरिका पाम लगा सकते हैं, जेट प्लांट लगा सकते हैं, बम्बू प्लांट लगा सकते हैं, पीस लिली लगा सकते हैं, लिली प्लांट लगा सकते हैं, लेवेंडर लगा सकते हैं, जैस्मीन लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। ये नव प्लांट जो है उसमें से कोई एक सा प्लांट आप चाहें तो पूजा घर के पास में या पूजा घर में भी आप रख सकते हैं। नैऋत्य कोण का पूजा घर का कुछ वास्तु टिप्स हम लोग देख लेते हैं, रोजाना इस्तेमाल में आने वाली। तो क्या होना चाहिए पूजा करते समय? हम लोग का चेहरा हमेशा पूर्व या उत्तर होना चाहिए, पश्चिम भी ठीक ठाक माना जाता है। पूजा करने के बाद आसन को मोड़ कर रख दीजिए, दिया अपने दाहिनी तरफ ही जलाइए, और 24 घंटे अखंड दिया नैऋत्य कोण के पूजा रूम में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तु जो है स्टोरेज होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है, उसको ये दिया जला देगा। अपने बाएं तरफ एक जल पात्र, कलश में जल रखिए, कभी इसको खाली ना रखिए। ये जल रोज बदलिए, पुराना जल पौधे में डालिए। पूजा घर में खिड़की वेंटिलेशन हो जिसमें सनलाइट हवा आ सके, अगर खिड़की वेंटिलेशन कम है तो चिमनी एग्जॉस्ट लगाइए। क्या नहीं होना चाहिए? पूजा करने वाले के ऊपर कोई बिंब नहीं होना चाहिए, अगर है तो फॉल सीलिंग से ढक दीजिए। बैठे हुए भगवान का फोटो नहीं लगाइए, खड़े मुद्रा वाले भगवान का फोटो लगाइए। पूजा घर और शौचालय का एक कॉमन वॉल ना हो, अगर है तो इसका वास्तु दोष निवारण जरूर करिए। पूजा रूम में 24 घंटे लाइट जलाकर मत रखिए। मकड़ी का जाल, गंदगी, कवार इकट्ठा नहीं कीजिए नैऋत्य कोण का पूजा घर है। तो ये था नैऋत्य कोण के पूजा घर के बारे में कुछ वास्तु टिप्स और वास्तु निवारण। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत